तो ये सुबह का वक्त हो गया, लेकिन मुझ में इतना एनर्जी क्यों है, क्योंकि सुबह उठना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क नहीं होता है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे सुबह उठना पसंद है। हाय, ये सुबह के 5:30 बज गए हैं वैसे तो, लेकिन उसको अभी जाना है तो हम चलते हैं। नहीं, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल लाइक ऑलवेज। रेणुका चाहे कभी भी उठ जाए, लेकिन वो सुंदर दिखना कभी बंद नहीं करेगी। और मेरे मुंह पे लाइट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैं खुद इतनी रेडियंट हूँ कि मेरे से लाइट जाती है ऐसे खटाक करके। तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ खास, अभी मैं बस ऐसे मैंने मूड हुआ है, और फिर भी मैं इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ। भगवान जी, ओके। तो आज मैं जा रही हूँ फूल मंडी, और अभी मैं कैब में हूँ। तो यहाँ का मेरा प्रोग्राम ऐसे बना कुछ कि बहुत टाइम से मेरा एक सनफ्लावर लेने का मन था, और मैंने बहुत टाइम से सनफ्लावर देखा भी नहीं है। तो फिर मुझे याद आया, ओह, एक फूल मंडी नाम की जगह भी तो है, मैं वहाँ ही उन्हें ट्राई कर रही हूँ। तो इसलिए आज मैं वहाँ जा रही हूँ, और अभी सुबह ही हो रही है, मेरे घर वाले भी सो रहे हैं मस्त एकदम। सो वैसे मैंने सुना है कि वो सुबह सुबह बेस्ट है, मतलब इससे भी सुबह, बट मुझे मालूम नहीं है अभी मुझे अच्छा कुछ मिलेगा या नहीं। सो लेट्स सी, और मेरे बाल काफी ऑयली हो रखे हैं, और मैं नहाई धोई नहीं हूँ। ओके बाय। Never find another like me. तो मैं फाइनली आ गई हूँ, और मेरा जो सर्च है वो अब शुरू होता है। तो मैं सूरजमुखी की तरह यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ, मैंने यही सोचा है। सो लेट्स सी, ओके बाय। तो ये रहा सूरजमुखी। लेकिन भैया मुझे बताओगे आप, ये बड़ा क्यों नहीं है? ये बड़ा नहीं होता, इसकी वैरायटी। लेकिन बड़े भी तो होते हैं, वो यहाँ क्यों नहीं है? मैडम जी, अभी चाहिए क्या? मुझे बड़ा वाला चाहिए। लेकिन बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे मीडियम में है। दिखा दो एक बार। वो अभी आए नहीं है, आ सकते हैं। कितने बजे तक? आज नहीं, कल आ सकते हैं, मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आज आया नहीं है। लेकिन कितने बड़े होंगे वो? उसका फूल इससे डबल होगा, इतने बड़े बड़े फूल होंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने सनफ्लावर बोला, भैया मुझे एक सनफ्लावर चाहिए। उन्हें लगा मुझे एक बंडल चाहिए, तो मैं ऐसे नजरें झुका के आ गई, क्योंकि मुझे तो एक चाहिए ना। मैंने अभी ये ले लिए हैं, सॉरी ये, अभी मैं इनमें से कोई, भैया इसका नाम क्या है? 2 मिनट रुकना। हाँ जी बताइए। तो अंकल कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ फ्लावर्स? मतलब बेंगलोर हो गया, नैनीताल हो गया, शिमला, मसूरी। अब्रॉड से भी आते हैं? अब्रॉड से कौन कौन से फ्लावर्स हैं? बैंकॉक से आते हैं, और इधर नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड से भी आते हैं। इस वाले फूल का नाम क्या है जो मैंने अभी लिया? ग्लैटियोलस बोलते हैं। ग्लैटियोलस, ये जरबेरा है। हाँ ये, हाँ ये वाला मुझे मालूम है, बहुत इजीली अवेलेबल। ये सन, ये जो सनफ्लावर है, ये बड़ा नहीं मिलता क्या यहाँ? कभी कभी आता है, होते हैं ना इससे बड़े, और ये तो दिल्ली में आते हैं एक, वही तो मुझे। मैं ऑयल बनता है, प्लस वो बिकता है, बहुत खेती होती है उसकी, बहुत तगड़ी, हरियाणा में होती है, यूपी में होती है, उत्तराखंड में होती है। हाँ तो ये छोटे वैसे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा होता है सनफ्लावर, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा फूल। हाँ भाई, चलिए, थैंक यू भैया। ओके बाय, अब मैं घर जा रही हूँ। So, let's see, I'm going to go. Bye. If I were a rose, maybe you would.
change overnight. I turn into something you like, but I'm a sunflower. तो फिर अब मैं घर आ गई हूँ और ये रहे वो सारे फ्लावर्स. ये वाला थोड़ा अभी बहुत सा रुके लेकिन ये सही हो जाएगा, आई जस्ट होप. और मेरा सनफ्लावर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस फूल की है, सूरजमुखी की. और जो सूरजमुखी है ये वाला फूल और ये वाला फूल जो है ये मुझे 10-10 रुपए में मिले हैं. उसके बाद ये फूल और ये जरबरा फूल मुझको फ्री में मिला. इसके दो कारण हो सकते हैं, नहीं तीन कारण हो सकते हैं. सबसे पहला आई एम सो क्यूट स्टूपिड. और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैं गरीब दिख रही हूँ उनको. और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो बहुत जेनरस लोग, उन्होंने कहा हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक ले जा या दो ले जा, इसको ले जाने दो. ले गई. तो मैं यही पहन के गई थी, ये टी शर्ट और ये पजामा. अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा हो तो वैसे तो है नहीं कि मैं दिखाऊंगी पूरा. और अभी मैं चलती हूँ. ओके बाय.